This is दीपा, welcome to my channel Studying with दीपा। उम्मीद है ये आप सब बहुत खुश होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे। तो बेटा आज हम पढ़ रहे हैं जो तीन टॉपिक्स हैं, अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अल बेरूनी, डॉक्टर अब्दुल सलाम, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। ये तीन टॉपिक्स करने के बाद जो बेटा हमारा ये यूनिट है ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो कल मैं चैनल पे एमसीक्यूज पोस्ट करूंगी वो आप कर लेना सॉल्व, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं जो अबू रेहान मोहम्मद बिन अल बेरूनी। ओके, अल बेरूनी वॉज बोर्न इन अ स्मॉल टाउन बैरून इन प्रेजेंट अफगानिस्तान इन 973 AD। जो अलबेरूनी थे वो बेटा कहां पर पैदा हुए? स्मॉल टाउन बैरून, ठीक है। और ये बैरून कहां पर है? अफगानिस्तान, ठीक है। और कब ये पैदा हुए? 973 AD, ठीक है। तो बेटा अबू रेहान मोहम्मद बिन अल बेरूनी बेटा कब पैदा हुए? 973 AD में। और ये स्मॉल टाउन अफगानिस्तान का छोटा बिल्कुल शहर है जिसे हम क्या कहते हैं? बैरून, ठीक है। इट्स नेम इज बैरून। उसके बाद ही वाज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ हिज टाइम, ये अपने वक्त का बहुत ही अच्छा बहुत ही आला स्कॉलर था। स्कॉलर मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, लास्ट टॉपिक जब हमने डिस्कस किया था कि स्कॉलर क्या है। ही रोट मोर देन 150 बुक्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स सच एज मैथमेटिक्स, फिजिक्स, कॉस्मोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, सिविलाइजेशन, आर्कियोलॉजी, कंपैरेटिव रिलीजन, जियोलॉजी, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो मैं आपको ये बताती हूँ अब क्या है मैथमेटिक्स, कैसे भी आपको पता है कि भाई क्या है फिजिक्स, ठीक है। उसके बाद कॉस्मोलॉजी, ठीक है, जियोग्राफी, उसके बाद आपके पास है हिस्ट्री, उसके बाद है कल्चर, सिविलाइजेशन, ठीक है बेटा, आर्कियोलॉजी, कंपैरेटिव बायोकेमिस्ट्री, सॉरी कंपैरेटिव रिलीजन्स, जियोलॉजी, और उसके बाद है बेटा केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो भाई अल बेरूनी क्या थे? बड़े जो थे स्कॉलर थे। और बेटा उन्होंने 150 बुक्स लिखे, किसपे? फिजिक्स पे। फिजिक्स भाई हमें पता है मैटर और एनर्जी का इंटरेक्शन है, ये हमने पढ़ा भी था, ठीक है। बाकी ये बात अभी मैंने लेक्चर नहीं किया है, यूट्यूब पे अपलोड नहीं किया है, इंट्रोडक्शन वगैरह क्या फिजिक्स क्या है, क्योंकि बेटा टाइम ही नहीं होता इतना, ठीक है। तो अब आगे के इंशाल्लाह अब लेक्चर होते जाएंगे। कॉस्मोलॉजी, ओरिजिन ऑफ अर्थ, भाई आपकी जो अर्थ है, हमारी जो अर्थ है वो आई कहां से है, उसका ओरिजिन कहां से आया है बेटा, वो हम किस में पढ़ते हैं? कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी कैट्स अस द ओरिजिन ऑफ अर्थ। बेटा कॉस्मोलॉजी हमें बताती है कि अर्थ का ओरिजिन क्या है, भाई जो हमारी अर्थ है वो कहां से निकली है, इवोल्यूशन कैसे हुआ है, ओरिजिन क्या है, वो हम पढ़ते हैं कॉस्मोलॉजी में। जियोग्राफी, एक्सटर्नल फीचर्स, जो एक्सटर्नल फीचर्स है उसे हम बेटा क्या कहते हैं? सॉरी जियोग्राफी। जियोग्राफी मीन्स आपकी अर्थ बाहर से देखिए राउंड है, तो राउंड है तो बाहर से जो राउंड है वो क्या है भाई? उसकी जियोग्राफी। ग्राफी मीन्स पिक्चर,
अर्थ, तो अर्थ की जो बाहर से पिक्चर है, बाहर से अर्थ कैसे दिखती है, बेटा वो हम किस में पढ़ते हैं, जियोग्राफी में। हिस्ट्री तारीख को पढ़ते हैं, कल्चर आपको पता है, सिविलाइजेशन पता है, आर्कियोलॉजी एंशियंट टाइम्स, एंशियंट टाइम्स जो कदीम जमाना था उसके बारे में आर्कियोलॉजी में पढ़ते हैं। कंपेरेटिव रिलीजियंस, असल में क्या हुआ बेटा, अल्बेरोनी ने बताया था कि कंपेरेटिव रिलीजियंस का क्या मतलब है, रिलीजियंस सब डिफरेंट होते थे, तो किसी भी मतलब हमें तब ये होता था कि रिलीजियंस को प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं मिली, रिस्पेक्ट जो है ना नहीं दी जाती थी, ठीक है। तो तब क्या, तब अल्बेरोनी ने बताया कि सब रिलीजियंस जो है एक जैसे हैं, आपको हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और जियोलॉजी अर्थ की इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल, ठीक है, बाकी केमिस्ट्री आपको पता है, बायोलॉजी भी पता है, ठीक है। अब उसके बाद इसमें कह रहा है कि ही एक्सप्लेन एवरी सब्जेक्ट फ्रॉम अ न्यू एंगल, इसने हर सब्जेक्ट को एक नए रुख से, नए एंगल से बताया। एंड रिप्यूटेड मेनी थ्योरी थ्योरीज अबाउट द नेचर ऑफ थिंग्स, और जो नेचर है बेटा उसके बारे में जो डिफरेंट थ्योरीज आई थी उनको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन हिज टाइम इट वॉज सपोज एंड वॉज टेकन एज अ फैक्ट, जब अल्बेरोनी का टाइम था तब ये सपोज किया जाता था कि भाई जो अर्थ है वो फ्लैट है, मतलब बिल्कुल सीधी है, मगर फिर इसने इस ख्याल को निग्लेक्ट किया, रिजेक्ट किया और प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किया कि भाई जो आपकी अर्थ है वो राउंड है, फ्लैट क्यों राउंड है, देखे। ये इसको कैसे पता चला कि अर्थ राउंड है, जब सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट किया। अब सर्कमफ्रेंस का क्या मतलब है, डिस्टेंस ऑफ सर्किल, डिस्टेंस ऑफ सर्किल, फॉर्मूला 2πr। अभी इसको पूरे को डिस्कस करेंगे। अब देखें ये है सर्किल, ठीक है। Actually, I'm very weak in my drawing, so try to understand. तो बेटा अब ये सर्किल है, हमें सर्कमफेरेंस कैसे पता चले, पहले हम रेडियस और डायमीटर ये चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। ये एक पॉइंट है, ठीक है, सेंटर से लेकर इस पॉइंट को हम कहेंगे रेडियस, ठीक है बेटा। सेंटर से लेकर जो यहां तक पॉइंट है, इस पॉइंट, ये इसको ए कहें, इसको बी कहें। अब ए और बी पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम क्या कहते हैं, रेडियस। अब इसका मतलब सर्कल में दो रेडियस हो गए, एक इस पॉइंट से इस पॉइंट से, एक इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो ये भी आर, तो इसको 2r किसके बराबर हो जाएगा, डायमीटर के। बेटा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल से ही पता चला कि अर्थ राउंड है, वो कैसे, सर्किल को जब इसने वही अपने दिमाग में लाया। अब सर्कमफ्रेंस के लिए हमें यहाँ पर स्केल रखनी पड़ेगी, हम इसको मेयर करेंगे ना स्केल रखकर, तो हमें इसकी वैल्यू मिलेगी 2πr। r क्या है भाई इसका, रेडियस, रेडियस सेंटर से लेकर जो यहाँ तक डिस्टेंस है वो रेडियस है। यहाँ भी इसका सेंटर, यहाँ से लेकर एक रेडियस, यहाँ से लेकर दूसरा रेडियस, तो एक आर ये, एक आर ये, तो 2r हो गए। और इस पूरे डिस्टेंस को, पूरे रेडियस को हम कहेंगे डायमीटर, ठीक है बेटा, समझ आया। उमेश, प्रेरणा, गुण, दया, समझ आ रहा है। ओके, ठीक है, ये हो गया। अब भाई 2πr, तो पाई की वैल्यू क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर, ठीक है। और 3.14 को हम दूसरे अंदाज में भी लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए डायमीटर है 2 आर के बराबर, तो अगर हमें सिर्फ रेडियस चाहिए
डी बाई टू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और पाई की वैल्यू क्या है, 18.14 है। तो अल्बेरोनी ने कैसे उसे पता चला कि भाई अर्थ राउंड है, जब उसने अर्थ का सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस मींस जो सर्किल का ये डिस्टेंस है इसे कहेंगे। फॉर्मूला 2 पाई आर, आर रेडियस है सेंटर से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है। सर्किल में दो रेडियस होते हैं, 2 आर एक डायमीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो सी इक्वल टू 2 पाई आर भी लिख सकते हैं, और आर किसके बराबर है, डी बाय टू, तो 2 पाई डी बाय 2 भी लिख सकते हैं। बेटा समझ आ गया, प्रेरणा दया उमेश कुल जो भी आप प्रेजेंट है, आर ऑल दीज पॉइंट्स क्लियर टू यू। तो उसके बाद है वी डिस्कस द मूवमेंट ऑफ सन एंड मून। भाई जो सन और मून है वो कैसे मूव करते हैं, उनकी मूवमेंट, उनका मोशन क्या है। उसके बाद वी गेव द मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस। भाई अब कोई भी जगह है, कोई भी ये सर्किल है, अब इसका लॉन्गिट्यूड क्या होगा और इसका लैटिट्यूड क्या होगा। लॉन्गिट्यूड, ठीक है, अब हम अगर देखें यहां पर है ईस्ट, यहां पर वेस्ट, यहां पर नॉर्थ, यहां पर साउथ, ठीक है बेटा। व्हाट, नथिंग, ठीक है बेटा, यहां पर आपका ईस्ट हो जाएगा, सॉरी सॉरी एक मिनट, अरे सॉरी, तो ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है बेटा। तो अब पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन के से किस तक। अब आपने यहां से पॉइंट ली, ठीक है, अब लॉन्गिट्यूड पहले क्या है, नॉर्थ साउथ पोजीशन, और सॉरी लॉन्गिट्यूड है ईस्ट और वेस्ट, और जो आपका लैटिट्यूड है वो नॉर्थ साउथ। हमेशा ईस्ट वेस्ट अपोजिट होंगे, नॉर्थ और साउथ अपोजिट होगा। यहां पर ईस्ट है ना, तो यहां पर वेस्ट, अगर यहां पर नॉर्थ है ना तो यहां पर साउथ, ठीक है। अब लॉन्गिट्यूड क्या है, जो ईस्ट और वेस्ट की डायरेक्शंस में जो लाइंस आती है या फिर एंगल बनता है, तो ये ईस्ट, ठीक है, और ये आपका वेस्ट, यहां पर आपकी क्या साइन होगी, लॉन्गिट्यूड, ठीक है। मतलब लॉन्गिट्यूड में कौन सी लाइन आ गई, हॉरिजेंटल। ये जो होती है ना चीज, इसे बोलते हैं हॉरिजेंटल और इसे बोलते हैं वर्टिकल। तो आपका जो लॉन्गिट्यूड है, देखिए वो ईस्ट और वेस्ट में आता है, तो ईस्ट और वेस्ट में हॉरिजेंटल है। आपका जो लैटिट्यूड है नॉर्थ और साउथ में आता है, नॉर्थ और साउथ में देखिए वर्टिकल है। तो समझ आया बेटा लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। प्रेरणा उमेश, तो बेटा हम पढ़ रहे थे कि भाई इसने डिस्कस किया सन और मून कैसे मूव करते हैं ऑर्बिटल मोशन में या फिर कैसे मूव करते हैं, ठीक है, और इसने फेजेस ऑफ द मून। आप देखते हैं कि मून की जो पोजीशन है वो चेंज होती रहती है, पहले फुल मून, फिर हाफ मून, फिर जो है ना डिफरेंट डिफरेंट जो है ना क्रिसेंट शेप भी आ जाती है। तो बेटा ये सब जो है ना इसने बताया, एंड ऑल्सो द मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स, जो हमारे प्लैनेट्स हैं प्लैनेट से वो कैसे मूव करते हैं, ये तो आपको पता है कि भाई सन क्या है मून क्या है। अब प्लैनेट की डेफिनेशन है, लार्ज ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट अ स्टार, स्टार में होती है न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसकी वजह से वो लाइट शो करते हैं, मतलब ट्विंकल करते हैं, प्लैनेट का समझो बेटा। अब प्लैनेट क्या है, जैसे इसमें कह रहा है कि भाई उसने जो है ना प्लैनेट, जो हमारे प्लैनेट से वो मूव कैसे करते हैं वो भी बताया था। तो प्लैनेट क्या है, अ लार्ज ऑब्जेक्ट, एक कोई बड़ा ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट अ स्टार, जो किसी स्टार के सराउंडिंग को, स्टार का मतलब जरूरी नहीं है कि भाई जो स्टार्स आसमान में है और जो ट्विंकल करे वही है स्टार, सन को भी कह सकते हैं, सन की भी खुद की लाइट है, ठीक है। अब क्यों, भाई मून जो
उसकी खुद की लाइट नहीं है, जो प्लैनेट्स हैं उनकी भी खुद की लाइट नहीं है। क्यों? क्यों सन जो है, जो सन है उसकी खुद की लाइट है, और उसके बाद जो स्टार्स है वो भी ट्विंकल करते हैं, उसकी भी जो लाइट है। तो बेटा न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस होता है, फ्यूजन में ये होता है न्यूक्लियस के अंदर, फ्यूजन मीन्स फॉर्मेशन। ठीक है, तो आप ये समझ लें कि भाई न्यूक्लियर फ्यूजन एक प्रोसेस होता है जिससे लाइट वाली जो प्रॉपर्टी है वो सन और जो स्टार्स है वो शो करते हैं, और जो प्लैनेट है उसके न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं होती, इस वजह से वो जो है बेटा सन की तरह शाइन नहीं करते प्लैनेट। और प्लैनेट क्या है? एक बड़ा ऑब्जेक्ट जो किसी भी स्टार के सराउंडिंग हो, जैसे सन के सराउंडिंग कोई भी प्लैनेट वगैरह हो, तो बेटा प्लैनेट एक कोई बड़ा ऑब्जेक्ट जो सन के सराउंडिंग ऑर्बिट करे, मतलब जो सन के सराउंडिंग हो उसके बिल्कुल जो है ना चक्कर एक लगाए, राउंड लगाए, मोशन करे, तो वो बेटा क्या है? प्लैनेट। ठीक है, उसके बाद पॉइंट ये है कि भाई इसने, हमने ये पढ़ा कि भाई इसने सन और मून की जो मूवमेंट है वो हमें बताई, मून के जो फेजेस है वो बताए, उसके बाद जो है प्लैनेट्स कैसे मूव करते हैं वो बताए, मैंने प्लैनेट का आपको पूरा कॉन्सेप्ट दिया, समझाया, और उसके बाद इसने डिफरेंट मैटर्स की डेंसिटी बताई। डेंसिटी तो हम डिस्कस कर, मतलब कर चुके हैं, मैटर क्या है? मैटर वो होता है जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो। अब वो कैसे? ठीक है बेटा, अब हम देखते हैं, हमारे पास जो केमिस्ट्री का ये टॉपिक है थोड़ा कर लेते हैं, फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट ए, सेकेंड ए, ये स्ट्रॉन्ग मेटल्स हैं। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल लेते हैं लिथियम। ठीक है, लिथियम से पहले सोडियम लेते हैं। आप ये याद रखें कि भाई आपके जो, अच्छा बेटा मीटिंग का टाइम जो है ना वो है, तो बेटा अब हम पढ़ रहे हैं कि अब इसमें क्या थी लाइन कि भाई ऑल्सो फाउंड डेंसिटीज ऑफ वेरियस मेटल, मतलब जो डिफरेंट मेटल्स थे उनकी डेंसिटी फाउंड की। अब डेंसिटी क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है बेटा, अब अच्छा पहले हमें पता होना चाहिए कि मेटल क्या है। मेटल हमेशा जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शेल में जो है ना रोटेट कर, या वैसे कह सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन मूव इन अ स्पेसिफिक पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। ठीक है, तो अब यह शेल कहते हैं, चार शेल होते हैं, के में कैपेसिटी है दो इलेक्ट्रॉन की, एल में 8, एम में 18, एन में 32। ठीक है, तो आप उस सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 11, तो के में तो दो ही आएंगे, सही है भाई। अब एल में कैपेसिटी 8 है, तो अच्छा आपका भले आपका जब आउटर शेल, मतलब आपका जब ऑक्टेट पूरा हो जाएगा फिर मतलब आपको कोई जरूरत नहीं होती है। अब जैसे देखें यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए, वो पूरे हो गए, मगर 8 और 2 10 हो रहे हैं, अभी 1 इलेक्ट्रॉन और की से नीड है, तो m is equal to 1, तो ये तो एक्स्ट्रा है भाई, इसने भाई अपना ऑक्टेट तो पूरा कर लिया है, अभी एक जो एक्स्ट्रा है वो किसी ऐसे को देगा जिसे जरूरत होगी, तो बेटा जो लूज करेगा, जो देगा वो बन जाएगा मेटल। ठीक है, जो देगा उसके पॉजिटिव चार्ज आएगी और वो क्या बन जाएगा बेटा? मेटल। तो मेटल क्या है? कोई जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, करंट को पास करवाता है। तो इसने भाई क्या किया? मेटल्स जो थे उनकी डेंसिटी फाइंड आउट की, भाई मेटल का मास क्या है और उसका वॉल्यूम क्या है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा। अब बस लास्ट के कुछ पॉइंट्स हैं कि भाई इसने बताया कि अर्थ जो है ना इस तरह स्पेस में है, जैसे भाई पानी में अंगूर को हम रख ले, अंगूर कैसे पानी होता है, पूरे अंगूर जो है ना रोटेट ऑफर करते हैं, वहां पर फ्लूइड में होते हैं या फिर पानी में। उसके बाद इसने बताया, इसने एक और राज था उसको डिस्क्लोज किया, इसने कहा कि भाई इंटर
पार्टी जो थी वो हुआ करती थी। तो इस भाई तब क्या हुआ, काफी जो जियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने अर्थ की इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ी वो मतलब इस चीज को रिजेक्ट कर रहे थे, मगर बाद में पता चला कि भाई वाकई में जो इंडस वैली पहले गटर की तरह थी, फिर जो है ना उसके ऊपर जो है ना मतलब ओशियंस वगैरह बन गए, फिर जो है ना ये कॉन्सेप्ट आ गया कि भाई दिस वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वैली। तो ये था हमारा लेक्चर अल्बेरोनी पे, आई होप आपको पसंद आया होगा, उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। आपको पसंद आया हो आप खुद भी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिए।